Now next C example based on three dimensional array. इस केस में जैसे डिस्कस करेंगे all properties of three dimensional array based on given diagrams. इस केस में डायग्राम मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेविंग टाइम्स इन दैट केस. सबसे पहले आपके इस केस में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी वेरिएबल का नेम यूज कर दे, अगर आप सिंगल प्लेस का नेम यूज कर दो, मीन सिंगल प्लेस लाइक दैट, इसका एड्रेस क्या समथिंग 100 और वैल्यू क्या 10, देन अगर सिंगल प्लेस का नेम यूज कर दो, देन नेम के प्लेस लाइक नेम क्या इसका एक्स, एक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो वैल्यू और एड्रेस वैल्यू, मीन्स जस्ट सिंगल एलिमेंट के नेम के प्लेस पर क्या रिप्लेस तो रिप्लेस होता है ऑलवेज वैल्यू. बट सपोज दैट अगर सेम नेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मीन्स ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, अगर आप किसी प्लेस पर सपोज दैट इस ब्लॉक का नेम क्या समथिंग एक्स, अगर आप ब्लॉक ऑफ एलिमेंट का नेम यूज कर देते हैं, इस केस में एक्स के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ वैल्यू और एड्रेस, एड्रेस मीन्स जस्ट ब्लॉक नेम से क्या रिप्रेजेंट होता है ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, मीन्स एड्रेस भी किसका आएगा ब्लॉक नेम से, ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल्स अगर इस पर्टिकुलर केस में बात करें, इस केस में मैट्रिक्स क्रिएट हुआ, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या है 2 by 3 by 4, तो इस केस में 4 क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, 3 क्या है इस केस में नंबर ऑफ रोज, तो इस केस में जितने भी मैट्रिक्स क्रिएट होंगे सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 by 4, और 3 by 4 के टोटल मैट्रिक्स कितने क्रिएट होंगे देर आर 2 मैट्रिक्स, तो इस केस में 2 मैट्रिक्स क्रिएट हुए, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज द सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 by 4, सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 3 by 4, दिस इज मीनवाइल 3 dimensional array. इन दैट केस इस एरे के केस में एरे का एड्रेस है जो क्या एज 100, तो इस होल एरे का बेस एड्रेस क्या है 100, एरे के फर्स्ट मैट्रिक्स का एड्रेस क्या है ऑल्सो 100 और सेकेंड मैट्रिक्स का बेस एड्रेस क्या हुआ 124. क्लियर. नेक्स्ट वन, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, तो 100 इस केस में मल्टीपल प्लेसेस को रेफर कर रहा है. इस केस में जब नेम डिस्प्ले करा हुआ, मीन्स आपको इस प्रिंट एप के रिस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा आपको, मीन्स नेम किसी ब्लॉक का नेम पास हुआ है एलिमेंट का नेम, अगर एलिमेंट का नेम है देन रिप्लेस क्या करा हुआ है एलिमेंट का वैल्यू, अगर ब्लॉक नेम है देन रिप्लेस क्या करा है ब्लॉक का बेस एड्रेस. क्लियर. देन किसी भी एड्रेस में ब्लॉक नेम में जब 1 से इंक्रीमेंट कराते हैं तो इंक्रीमेंट किससे होगा, साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट ब्लॉक, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें से एरे के रिस्पेक्ट में, एरे के लिए एरे ए के लिए फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड एलिमेंट कंसीडर होगा सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज क्या है जस्ट 12, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने 12, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर भी एलिमेंट्स कितने 12, लेकिन एक सिंगल मैट्रिक्स का साइज क्या, सिंगल एलिमेंट अगर 2 बाइट्स का ज्यादा है इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा 24 बाइट्स, तो मीन्स फर्स्ट ब्लॉक का मीन्स इस एरे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है 24, सेकंड एलिमेंट का साइज क्या है 24. सिमिलरली अगर इस फर्स्ट मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करोगे फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो का साइज क्या है 8 बाइट, अगर फर्स्ट रो के नेम में इंक्रीमेंट करा हुए सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स में इंक्रीमेंट का भी इंक्रीमेंट कितने से होगा 8 से. इस टाइप के कॉन्सेप्ट इस केस में यूटिलाइज करेंगे. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जांपल, जस्ट मैं इसका आउटपुट डिस्प्ले कराऊंगा 1 by 1. फर्स्ट केस, सबसे पहले डिस्प्ले करा एरे नेम ए, तो ए के प्लेस पर डायरेक्टली एरे ए का बेस एड्रेस रिप्लेस हो जाएगा एज अ 100, फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या हुआ 100. सेकंड प्रिंट एफ, सेकंड प्रिंट एफ में यूज क्या किया ए प्लस 1, तो ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 100. अब क्वेश्चन है कि इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा, इंक्रीमेंट डिपेंड करेगा ये 100 पूरे मैट्रिक्स के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 इस केस में क्या है 100, ये क्या है इस केस में एरे नेम, और एरे नेम के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ होल एरे का एड्रेस और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो इस एरे ए के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है 24 bytes, तो यहाँ इंक्रीमेंट भी कितने से होगा ऑल्सो 24, तो इस केस में क्या होगा 100 plus 24 is 124. सेकेंड केस में क्या डिस्प्ले होगा 124. और द केस इन थर्ड प्रिंट एफ, थर्ड प्रिंट एफ में यूज किया ए जीरो, ए जीरो क्या है इस केस में ए जीरो इज अ नेम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स. क्लियर. इससे ए जीरो से क्या रिप्रेजेंट हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का भी बेस एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, तो इस प्लेस पर भी अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा 100. नेक्स्ट टाइम अगेन सेम केस, फिर से ए जीरो में 1 से इंक्रीमेंट कराया है, इस केस में ए जीरो क्या है होल फर्स्ट मैट्रिक्स का नेम, और जब भी किसी ब्लॉक मीन मैट्रिक्स नेम इस ब्लॉक नेम, इस ब्लॉक का साइज क्या है 24, लेकिन इस ब्लॉक के एड्रेस में जब आप 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इस ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एलिमेंट कौन है फर्स्ट रो,
जैसे ए ऑफ जीरो के लिए फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का साइज क्या है 8 बाइट्स, इसलिए इस केस में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा जस्ट 8 से, तो ए जीरो के प्लेस पर क्या जाएगा 100, 100 प्लस 8 इज 1118, डिस्प्ले क्या होगा जस्ट सॉरी 108। नेक्स्ट वन ए जीरो जीरो, ए जीरो जीरो क्या है, ए जीरो जीरो इज अ नेम ऑफ फर्स्ट रो, ए जीरो जीरो से क्या रेफर हो रहा है फर्स्ट रो का नेम, फर्स्ट रो अगेन क्या ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट के प्लेस पर रिप्लेस किया था ब्लॉक का बेस एड्रेस, तो ए जीरो जीरो ब्लॉक का नेम है, इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है 100, इसे इस ब्लॉक नेम से भी रेफर किया हुआ ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो ए जीरो जीरो के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एलिमेंट कौन है ओनली दैट प्लेस, वैसे ब्लॉक का साइज क्या जस्ट 2 बाइट्स, क्लियर, तो इसे ए जीरो जीरो के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा ऑल्सो 100, डिस्प्ले क्या 100, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसमें जब इंक्रीमेंट कराओगे 100 प्लस 1, तो ए जीरो जीरो नेम किसका फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या 2 बाइट, इस रो नेम से रिप्रेजेंट किया रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या 2 बाइट दिया, इंक्रीमेंट भी कितनी होना चाहिए जस्ट 2 से, 100 प्लस 2 बिकम्स 102, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में जस्ट मैंने राइट डाउन क्या किया ए जीरो जीरो जीरो, मीन्स इससे रिप्रेजेंट किया हो रहा है ब्लॉक नेम और एलिमेंट नेम, मीन्स अगर ए जीरो जीरो रिटर्न है फर्स्ट केस में क्या है मैट्रिक्स इंडेक्स, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, तो फर्स्ट केस में मैट्रिक्स इंडेक्स कौन सा है 0, मीन्स दैट मैट्रिक्स, क्लियर। सेकेंड केस में रो इंडेक्स कौन सा है 0, मीन्स दैट प्लेस। थर्ड केस में कॉलम इंडेक्स क्या है दैट प्लेस, मीन्स इससे रेफर क्या हो रहा है एलिमेंट 10, मीन्स इस केस में ए जीरो 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 ब्लॉक का नेम है और एलिमेंट का नेम है, एलिमेंट का नेम है और एलिमेंट नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ एलिमेंट का वैल्यू, वैल्यू क्या इसका 10, फर्स्ट केस में 10, डिस्प्ले क्या है इसलिए सिंपली 10। नेक्स्ट टाइम क्या है 10 प्लस 1, 10 क्या है इंटीरियर एलिमेंट, इंटीरियर में जब 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट भी कितनी से होगा ऑल्सो 1, क्या है इसके में गिवन, दिस इज द फाइनल आउटपुट रिगार्डिंग गिवन एग्जांपल, स्पेशली याद रखना ये आउटपुट मैंने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ इंटीरियर इज 2 बाइट्स, अगर इंटीजर का साइज 2 बाइट है देन गिवन कीज, अदरवाइज हो सकता है इंटीजर का साइज 32 बिट और 64 बिट कंपेयर में क्या रहेगा जस्ट 4 बाइट, तो उस केस में आउटपुट डिस्कस करोगे एड्रेसिंग प्रोवाइड करो अकॉर्डिंग टू 4 बाइट्स, क्लियर।